हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रिसेंटली अप्रूव्ड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एंड सिंस टुडे इज फ्राइडे, सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ब्रिंग टू यू 5 क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज। सो दिस स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वॉज अनाउंस्ड इन द थर्ड ट्रांच ऑफ द आत्मनिर्भर पैकेज एंड रिसेंटली इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 25। इसका मतलब इसको 5 साल के लिए अप्रूव कर दिया गया है बाय द यूनियन कैबिनेट। नाउ दिस स्कीम एम्स टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। जो फिशरीज सेक्टर है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा थ्रू सस्टेनेबल मेजर्स एंड ब्लू रेवोल्यूशन लाना ही इस स्कीम का एम है। राइट, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेटेड बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। सो गाइज, दिस स्कीम इंटेंड्स टू ऑगमेंट फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना एंड प्रोडक्टिविटी एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9% टू अचीव अ टारगेट ऑफ 22 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2024-25। जो फिश प्रोडक्शन है उसके अंदर इंक्रीज करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9%, और साथ ही साथ 22 मिलियन मेट्रिक टन के टारगेट को अचीव करना है बाय द ईयर 2024-25, और वी कैन से फाइनेंशियल ईयर 25 तक इस टारगेट को अचीव करना है। एंड इट आल्सो इंटेंड टू जनरेट अबाउट 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फिशरी सेक्टर अलॉन्ग बोथ द सप्लाई एंड द वैल्यू चेन। दोनों सप्लाई और वैल्यू चेन में 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होने की संभावना है। इट एम्स टू डबल द इनकम्स ऑफ फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स बाय द ईयर 2024, एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फार्मर्स है उनकी इनकम को डबल करना है बाय द ईयर 2022। इसके अलावा इट इंटेंड्स टू डबल एक्सपोर्ट अर्निंग्स। जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उसको डबल करना है फ्रॉम ₹46,589 करोड़ इन 2018-19 में जो हमारा एक्सपोर्ट था दैट वॉज 46,589 करोड़, इसको इंक्रीज करना है टू अबाउट ₹1 लाख करोड़ बाय द ईयर 2024-25। अदर देन दिस, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एक्वाकल्चर फ्रॉम द प्रेजेंट नेशनल एवरेज ऑफ 3 टन्स टू अबाउट 5 टन्स पर हेक्टेयर, एंड द रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम द रिपोर्टेड 20-25% टू अबाउट 10%। अभी जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो अबाउट 20-25% के आसपास होता है, इसको रिड्यूस करके कितना लेके आना है, 10% तक लेके आना है। एंड द एनहांसमेंट ऑफ डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन फ्रॉम अबाउट 5-6 kg टू अबाउट 12 kg पर कैपिटा। पर कैपिटा जो कंजम्पशन है फिश का उसको अबाउट 5-6 kg से इंक्रीज करके अबाउट 12 kg पर कैपिटा तक लेके जाना है। सो गाइस, दीज आर सम टारगेटेड बेनिफिट्स ऑफ द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये कुछ टारगेट्स रखे गए हैं अंडर दिस स्कीम। नाउ द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम में वो कितना है, ₹20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें एस्टिमेट किया गया है। एंड आउट ऑफ दिस अमाउंट सेंट्रल शेयर इज ₹9,407 करोड़, स्टेट शेयर इज ₹4,880 करोड़ एंड बेनिफिशियरी शेयर इज ₹5,763 करोड़। राइट, सो ये शेयर है ऑफ द सेंट्रल ऑफ द स्टेट एंड द बेनिफिशरीज, एंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इस स्कीम के अंदर दैट इज वॉट ₹20,050 करोड़। नाउ इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, इस स्कीम के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक होगा गाइस सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड ये दोनों कॉम्पोनेंट्स फिर आगे सब कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है, और वो है नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। ओके, दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट्स, दो सब कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। सो अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में क्या होगा, द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरा का पूरा कॉस्ट दैट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि 100% सेंट्रल फंडिंग होगी अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के कॉम्पोनेंट में नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वाला पार्ट है तो। एंड अंडर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड द इंडिविजुअल और द ग्रुप एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एंटिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ऑलराइट, द सेंट्रल असिस्टेंस विल बी अप टू 40% फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर जनरल कैटेगरी है तो, लेकिन अगर एससी एसटी या वुमेन कैटेगरी है तो सेंट्रल का असिस्टेंस जो होगा दैट विल बी वॉट 60%। ऑलराइट,
सो बेनिफिशियरी का जो ओरिएंटेशन है, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो स्कीम है उसमें जो भी एक्टिविटी होगी उसमें सेंट्रल असिस्टेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रल असिस्टेंस होगा 40% इन द जनरल कैटेगरी एंड 60% फॉर एससी एसटी और वुमेन कैटेगरी, ऑलराइट। एंड फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड ऑल द सब कॉम्पोनेंट्स और एक्टिविटीज विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स और यूटीज एंड द एंटायर प्रोजेक्ट और यूनिट कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ऑलराइट। जितने भी सब कॉम्पोनेंट्स और एक्टिविटीज हैं वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे स्टेट्स और यूटीज द्वारा, और जो पूरा प्रोजेक्ट का या फिर यूनिट का जो कॉस्ट होगा दैट विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एंड अंडर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड द इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज अंडर दिस कॉम्पोनेंट इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स और यूटीज। इसमें भी इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट और यूटी ही करेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी ऑफ बोथ द सेंटर एंड स्टेट विल बी लिमिटेड टू 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल एंड 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर एससी एसटी एंड वुमेन। बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता यह है कि जो शेयर होता है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होता है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें पूरी की पूरी फंडिंग दैट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो आई होप आपको ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वाला पार्ट है वो क्लियर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। जो हमने शेयर की बात करी थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ शेयर होगा तो वो कितना होगा वो देख लेते हैं। सो गाइस अगर कोई स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न है या फिर हिमालयन स्टेट है तो सेंटर का जो शेयर होगा दैट विल बी 90% ऑफ द कॉस्ट एंड स्टेट का दैट विल बी 10%। एंड फॉर अदर स्टेट इट इज 60% फ्रॉम द सेंटर एंड 40% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% पूरा का पूरा जो फंडिंग है वो कहां से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। सो गाइस आई होप आपको ये स्कीम पूरी क्लियर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो इससे बाहर नहीं होगा, ऑलराइट। इतना अगर आपको आता है अबाउट द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देन दैट इज मोर देन इनफ। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्कीम। क्वेश्चन नंबर वन इज फॉर विच पीरियड हैज द स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बीन अप्रूव्ड। कितने पीरियड के लिए इस स्कीम को अप्रूव्ड किया गया है? सो अभी हमने डिस्कस किया दैट दिस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू द फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि इसको 5 साल के लिए अप्रूव किया गया है बाय द कैबिनेट। एंड गाइज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इज हेडेड बाय मिस्टर गिरिराज सिंह, ऑलराइट, गिरिराज सिंह, एंड हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बेगूसराय, बेगूसराय इज इन बिहार गाइज, ऑलराइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर टू, दिस स्कीम इंटेंड्स टू ऑगमेंट फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डैश टू अचीव अ टारगेट ऑफ डैश मेट्रिक टन्स बाय 2024-25। सो अभी हमने पढ़ा था इन द जो हमने इसकी टारगेटेड बेनिफिशरीज पढ़े थे और जो इसमें जो टारगेट रखा गया है उसमें हमने पढ़ा था दैट इसमें एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो कितनी रखी जाएगी 9%, ताकि जो टारगेट है वो अचीव कर लिया जाए ऑफ 22 मिलियन मेट्रिक टन्स, राइट। सो देयरफॉर गाइस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, 9%, 22 मिलियन, राइट। इसमें जो फिश की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसमें एनुअल ग्रोथ रेट होगा 9% और टारगेट अचीव करना है कितना? 22 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बतानी है तो अभी हमने पढ़ा था कि ए ₹20,050 करोड़ इज द टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इसमें थोड़ा सा शेयर सेंटर का है, थोड़ा सा स्टेट का और थोड़ा सा बेनिफिशियरी का, राइट। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा 20,050 करोड़। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेयर ऑफ सेंटर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द फंडिंग ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हमें शेयर बताना है। सो गाइज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और अगर सेंटर है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अगर है तो वो रेशो कितना होता है? 90:10। नॉर्मल स्टेट है तो दैट इज 60:40। एंड अगर कोई यूटी है तो 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी, 90:10। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टारगेट बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ऑलराइट, सो ऑप्शन ए, इट एम्स टू डबल द इनकम्स ऑफ फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड फिश वर्कर्स बाय द 2024। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डबल एक्सपोर्ट अर्निंग्स फ्रॉम रुपीज दिस टू अबाउट 1 लाख करोड़ बाय 2024-25। यस,
enhancing productivity in aquaculture from the present national average of 3 tons to about 5 tons per hectare. Yes, absolutely correct. And enhancement of the domestic fish consumption from about 5 to 6 kg to about 12 kg per capita. Yes, guys, this is also correct. So, therefore, the correct answer to this question will be what? Option E, all are the targeted benefits. Alright, so question 5, answer is all are the targeted benefits. So, guys, this was the last question based on this scheme. I hope aapko ye scheme clear hai. Agar aapko ye scheme clear hai, to do like our session and share it. Now, let's move on to the quiz question number 1. So, question number 1 is KVIC, Khadi Village and Industries Commission. Khadi Village and Industry Commission is located in Mumbai. It is headquartered in Mumbai and it is headed by Vinay Kumar Saxena. Alright, Vinay Kumar Saxena is the chief of KVIC. So, KVIC porters of which state joined coronavirus fight with innovative methods by printed messages like use mask, stay home, stay safe, prevention is cure and beware of corona on the pitches whose sale has gone up with the rising temperature. So, guys, let me give you a hint about these porters. So, these porters are from the Kishanganj village. Alright, Kishanganj village of the Baran district. Alright, of the Baran district. Ye kaun se jile ke hain? Baran jile ke aur kaun se gaon ke hain? Kishanganj gaon ke. So now can you identify? Yes guys, option E, Rajasthan is the correct answer. Alright, so these porters are from the Kishanganj village of Baran district of Rajasthan. Now question number 2. Kisan Sabha app was launched on 1st May 2020 to connect farmers to supply chain and freight transportation management system. This app is developed by which institute? Is aapko kaun se institute ne banaya hai? Aur app ka naam hai Kisan Sabha app. And this was launched to connect farmers to supply chain and freight transportation management system. So guys, let me give you a hint again. This organization, this institute was developed in the 1952 and it is located in New Delhi on the Mathura Road. Now can you tell me the answer? Yes guys, it is Central Road Research Institute of CSIR. Alright, so option A, CSIR, CRRI is the correct answer. Now let's move on to question number 3. Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan, launched the COVID India Seva to fight against the pandemic COVID-19. What is the objective of COVID India Seva? Is COVID India Seva ke liye guys, ek Twitter handle bhi launch kiya gaya tha, jiska Twitter handle tha, @ COVID India Seva. Alright, @ COVID India Seva, and iska jo objective tha is to provide the latest credible information related to COVID-19. COVID-19 se related latest credible information provide karana to the citizens was the objective of this COVID India Seva. So option A is the correct answer. Now question number 4. To track home quarantine people on a real time basis, Pune Municipal Corporation has developed an app jiska naam batana hai under Smart Cities Mission. Pune Municipal Corporation ne kis app ko develop kiya tha to track home quarantine people. So again, let me give you a hint. Isme kya hota hai? 3 colors ki madad se logo ki track rakhi jati hai. 3 colors ki madad se, jis jo color kaun se hai? Red, yellow aur green. Red color ka matlab hota hai ki jo person hai wo kafi der tak bahar hai. Yellow color ka matlab hai ki kuch der tak bahar hai. And green color ka matlab ye hai ki wo apne home premises mein hi hai. So yes guys, the correct answer is what? Option E, Sayam. So Sayam app is developed by the Pune Municipal Corporation to track home quarantine people on a real-time basis. Now last question for the quiz. The Technology Information Forecasting and Assessment Council TIFAC is preparing a white paper to strategize revival of post-COVID-19 Indian economy. So we have to tell that TIFAC is an autonomous think tank under which department? Kaun se department mein TIFAC work karta hai? So guys, let me tell you this, that TIFAC was established in the year 1988. But iski approval jo hai cabinet se wo mil gayi thi in the year 1986. So but it was established in the year 1988 and it works under the option B, Department of Science and Technology. Option B, Department of Science and Technology is the correct answer. Now let me ask you one question more. So ek organization ke bare mein maine aapko bataya tha, that is the oldest scientific department of India. Alright, oldest scientific department of India ke baare mein maine aapko bataya tha, and this oldest scientific department of India works under the Department of Science and Technology. So can you name this department? And let me give you one hint that this is located in Dehradun. Right, so write down in the comments the name of the oldest scientific department of India which works under Department of Science and Technology.
ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। नाउ आप अपने मार्क्स शेयर करिए कमेंट्स में। और गाइस, मैंने देखा है कि आप लोग अपने मार्क्स शेयर नहीं करते हैं, सो गाइस ये बहुत जरूरी है, आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करिए। ये हो सकता है कि मैं आपके मार्क्स पे कमेंट ना करूं, बट यस, मैं आपके मार्क्स पे लाइक जरूर कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि मैंने आपके मार्क्स देख लिए हैं। ऑलराइट, सो प्लीज डू कमेंट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग PIB 24/7 मंडे टू फ्राइडे एट 8 AM ओनली ऑन anujindal.in।